मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर से मनावर विधानसभा क्षेत्र के कई गांव प्रभावित हुए हैं। उन लोगों के लिए बनाए गए करोड़ों रुपए की लागत के आदर्श पुनर्वास में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। एनवीडीए व ठेकेदार ने मिलकर बंदर बांट की है। जानकारी के अनुसार मनावर विधानसभा में सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर पानी से डूबने वाले क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए जो आदर्श पुनर्वास बनाया गया है, पुनर्वास पर रहने वाले लोग सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। लोगों ने कहा कि पुनर्वास स्थलों पर ना तो कोई पक्का रोड है, ना ही पानी की और ना ही लाइट की कोई सुविधा है, और ना ही नालियां भी टूटी हुई हैं। पुनर्वास की हालत देखकर लगता है कि एनवीडीए के अधिकारियों व ठेकेदारों ने मिलकर इस मामले में भारी घोटाला किया है। इस दौरान लोगों ने कहा कि सुविधाओं के नाम पर उन्हें धोखा दिया गया है। रहवासियों ने सरकार के इन नुमाइंदों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने आदर्श पुनर्वास तो बनाया, लेकिन इसमें आदर्श कहीं से नजर नहीं आ रहा। मनावर से संवाददाता दिनेश पटेल की रिपोर्ट। क्या नाम है माजी? सजन भाई। कहाँ रहते हो आप? मालदा डूब क्षेत्र। ये जो पुनर्वसाट पे नालियाँ बनी, कैसी बनी? नालियाँ बनी या कच्ची कच? कब बनी है? यह 12 महीना नहीं हुआ, 8-9 महीना हुई गया। कैसी बनी है? अब ऐसी बनी भाई, कच्चा कच माल लगाया, भर भर जा रही तो आता। पुनर्वास वालों को दिक्कत आ रही है? हाँ, इन सरिया ना उन फसांग कच्चा माल में। कर का रहता हूँ? जगदीश धनगर है, सेमलदा पुनर्वास पे रहता हूँ। यहाँ सब निर्माण जो नालियों का काम हुआ सब बेकार हुआ है, घटिया काम हुआ है। नालियाँ में सीमेंट वगैरह कहीं भर भर डाली नहीं है, और मकानों के पास पानी हमेशा रहता है, नालियों का निकास नहीं है। इस वजह से बच्चे वगैरह बीमार रहते हैं। ये पुनर्वास से बहुत घटिया काम हुआ है हमारे सेमलदा में। पानी और रोड की क्या व्यवस्था? रोड की व्यवस्था पूरा रोड पर सभी है। इसमें मिट्टी कांक्रीट का रोड बनने का पड़ा था, वो दिन बना, इसमें से वो कच्चा रोड डला हुआ है। वो समस्या पुनर्वास में लोगों की पानी को लेकर, पानी की भी समस्या। पानी 82 लाख रुपये की नर्मदा लाइन डाली, वो भी बार बार फूटती है, उसको भी हाल निराकरण सही कर रहे हैं उसको। इसको लेके अधिकारियों से बात हुई? अधिकारियों लोगों से बात हुई, अधिकारी को बता दी, वो बोल रहे आज करते कल इसके लिए साल भर हो गए, उसकी कहीं जाँच नहीं हो रही लाइट की भी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने क्या बोला? विधायक ने भी बोला करेंगे इसको, बाकी वो भी अभी तक इसको कहीं सीरियल सेल नहीं ले रहे। तो हमारे बच्चे वगैरह सब बीमार पड़ रहे हैं, पानी नहीं जाता आगे, पानी का निकासी सही करा हुआ है, और नालियाँ आती है कभी लात मारे थोड़ी अच्छी नालियाँ सर तिरछी वगैरह बना दी लोगों। क्या नाम है आपका? गणेश धनगर। सेमलदा का करौली में पुनर्वसाट बना, इसमें नाली निर्माण किस तरह से हुआ है? नाली निर्माण का तो बहुत ही घटिया काम हुआ है, और जिस ठेकेदार को अगर ये चीज़ कहने जाते थे कि आप नाली गलत बना रहे हो, तो उसका कहना था कि आपको जहाँ भी लगे वहाँ शिकायत करो, मैं तो ऐसी ही बनाऊँगा। 2-4 बार हमने भी कहा, और रेत उसने जो इसमें लगाई है ज़्यादा करके मिट्टी वाली रेत लगाई है, और आज नाली की स्थिति है कि अगर एक पाँव की ठोकर मारो तो जर्जर हो जाती है। रोड और पानी को लेकर क्या व्यवस्था है? पानी की तो फिलहाल व्यवस्था कहीं से कहीं तक भी नहीं है। जो लाइन डाली थी सेमलदा से, वो भी अभी 5 महीने से बंद पड़ी है, और आए दिन वो डेली लीकेज होती है, उसकी वजह से पुनर्वास से पानी ही नहीं आता। रोड को लेकर? रोड भी अभी तक सब अधूरे पड़े हैं, कोई भी रोड पर भी ध्यान देने की अधिकारी को अगर बोलते हैं, बोले कि जो है उससे आपको रहना पड़ेगा। नवीन पाटीदार है, मनावर तहसील पलटी का रहने वाला हूँ मैं। पुनर्वसाट पे रोड नाली को लेके आप क्या कहेंगे? पुनर्वास मैं खुद एक डूब प्रभावित क्षेत्र से हूँ, मेरा गांव भी डूब में है। तरीके से पुनर्वास एनवीडीए विभाग ने काम किया है, तो काम की क्वालिटी कुछ भी ऐसे कोई काम की क्वालिटी नहीं है। ऊपर से काम सभी जगह अधूरा छोड़ दिया है, घटिया है, जिसमें एनवीडीए के विभाग द्वारा डामरी रोड की जो बात है, आज तक डामरी रोड का किसी प्रकार से कोई काम नहीं किया, और नालियों का भी कोई काम बाकी है। अभी जो भी निर्माण हुआ नाली में, किस तरह का सामग्री यूज़ की गई? सामग्री एकदम घटिया सामग्री यूज़ की गई, जिसमें हम घर के लिए सामने जो क्रॉसिंग की थी उसमें तो अभी टूट गई है, और कई जगह पुले भी छेद हो गए, मतलब धस गए हैं इस तरीके से। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल, ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।